फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से बिना किसी ऑर्गेनाइज़र के और एक भी रुपए खर्च किए हम अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मेनली मैं ये अपने गाँव का वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो विलेज स्टाइल में, बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल जिसमें कोई भी पैसे वैसे खर्च नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके करें और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। तो सबसे पहले तो आप सब देख ही सकते हो कि वार्डरोब की हालत कैसी है। इतना सारा सामान इस तरीके से पड़ा है ना, जैसे बस जब मुझे यहाँ से जाना होता है ना तो मैं सारी चीज़ें भर देती हूँ बस इसमें। तो सबसे पहला काम मैंने यही किया, सारी चीज़ें मैं इसमें से निकाल रही हूँ, एक एक चीज़ निकालूंगी, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है क्लीनिंग। जब तक हम जगह को क्लीन नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे, हमें उसके स्पेस का नहीं पता लगता कि हम किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ करें। तो डिक्लटर कर रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ, सारे खाली कर रही हूँ और साथ साथ में क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ। डस्टिंग के लिए भी एक कपड़ा मैंने ले रखा है जिससे अच्छे से हर एक कोना मैं क्लीन कर रही हूँ। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है जिसमें दो चीज़ें हैं, पूरे एरिया को खाली करना और उसको क्लीन करना। उसके बाद हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से मैंने अंदर से बाहर तक पूरी तरीके से क्लीनिंग कर दी है, बस एक साड़ी हैंगर पे रहने दिया है क्योंकि उसके आसपास क्लीन कर दिया था मैंने और बाकी क्लीन हो गया था। उसके बाद ये ब्लैंकेट मैंने रखा हुआ था तो इसको मैंने एक बड़ी से थैली में इस तरीके से भर के रख दिया है, वो उस पर एडजस्ट हो गया है। उसके बाद मैं इसको रख दे रही हूँ। एक साड़ी का बहुत बड़ा बैग था मेरे पास तो उसमें ये आ गया, तो मैंने इसको रख दिया क्योंकि ब्लैंकेट का जो कवर होता है ना बहुत जल्दी फट जाता है, तो ये इसमें फिट आ गया। इसके साथ साथ मैंने इसमें दो तीन और पतले पतले ब्लैंकेट कवर्स बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं। उसके बाद अब हम हमारा बैग खाली करेंगे, ट्रॉली जो हम लेकर आए थे। तो मैं सबसे पहले तो सारे कपड़े मैं सेग्रीगेट करती हूँ कि कौन से कभी कभी पहनने वाले कपड़े हैं और कौन से वाले कपड़े हैं जो हमें डेली पहनना है, या फिर कौन से ऐसे जो कि नाइट में हमें पहनना है, अंडरगारमेंट्स वगैरह भी। इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट मैं कर देती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत आवाज़ अगर आप सबको आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि मैं ससुराल में हूँ और कभी छत पे या फिर कभी रूम में बैठ के वीडियो एडिट करती हूँ ना, तो कभी इंसानों की या फिर कभी बर्ड्स की आवाज़ आप सबको आ सकती है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप सभी। तो फिर मैंने एरिया तो क्लीन कर ही दिया था, उसके बाद सारे कपड़ों को इस तरीके से मैंने सेग्रीगेट किया और फिर ऑर्गेनाइज करना मैंने स्टार्ट किया है। दो सेल्स मैंने खुद के लिए रखे हैं क्योंकि मेरे कपड़े सबसे ज़्यादा हैं और मतलब हम लेडीज़ के कपड़े तो थोड़े मोटे मोटे से साड़ीज़ वगैरह होती हैं, सूट पर भी सेट होता है तो ज़्यादा कपड़े, और बच्चों के कपड़े बहुत ही कम होते हैं और पतले पतले से फोल्ड होते हैं ना, तो वो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो अंश के तो आप सब देख सकते हो, जबकि मुझसे कहीं ज़्यादा कपड़े अंश के मैं लेकर आई हूँ, बट उसका फिर भी बहुत ही छोटे से एरिया में एडजस्ट हो जाता है। तो एक सेल्फ मैंने बेटे के लिए रखा है जिसमें मैंने चार पोर्शंस किए हैं, पीछे कम पहनने वाले फुल स्लीव्स मतलब फुल पैंट्स जींस वगैरह, उसके बगल में टी शर्ट्स, फिर आगे इसके जो भी अंडरगारमेंट्स है वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइजेशन कर ही रही थी तब तक मेरी नजर वाटर मिलन लेके आ गई। और बेटा ये देखिए यहाँ पे आके मुझसे पूछ रहा है, मजा आया आज तुमको? गया था ना, तो ये क्या है मम्मा के खैबनो कर ले, इससे सवाल शुरू हो गया। ओ खैबनो कर ले हैं, मजा आया दादू? कुछ नहीं खरीद दिए? नहीं खरीद दिए दादू? कुछ नहीं खरीदवाया तुमने? क्यों नहीं खरीदा? वो वाटर मेलन गिर गया है मुझसे, कुछ नहीं खरीदवाया तुमने? मैं खा रही थी, आपको खाना है? बस वार्डरोब सेट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और बेटे के लिए मखाना रोस्ट किया। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने अच्छे से अपना वार्डरोब सेट किया, आप सबको अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ भुजिया कट, आलू परवल का भुजिया बनाना था मैंने, तो बस फटाफट से जल्दी जल्दी काम में लग जाते हैं ना, तो जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है ताकि फ्री भी हो जाएँ। वैसे तो काफ़ी लेट्स होते हैं हमारे यहाँ पर लोग, 11, 11:30, 12 तो बजते ही हैं, बट फिर भी परवल का भुजिया बहुत ईजी है। परवल आलू का बस तेल डालना है, मिर्ची डालना है, उसके बाद प्याज और परवल और आलू पतले पतले से कटा हुआ डालना है, थोड़ा सा मिक्स करने के बाद उसमें हल्दी डाल देना है और लास्ट में पकने से थोड़े से पहले नमक डालना है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और नैन रोटी बना रही है, मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प कर रही हूँ, कभी सेक दे रही हूँ। भाग गए चुटसिन। तो हमने मिलकर खाना बना लिया है, रोटी एंड भुजिया, अभी खा रही हूँ लड्डू जो पापा ने लिया था, भेजा था यहाँ पे। वही गर्मी से पसीना दिख नहीं रहा पर हालत है ख़राब, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक्सट्रीम गर्मी है, पूरा लग रहा है गीला गीला सा कपड़ा हो गया। चेंज करूँगी, वही गाउन रोज़ पहनूँगी, उस पर कम्फर्टेबल रहती हूँ। आप सबको रूम पे दिखाऊँगी, मैंने पूरा सेट कर दिया बहुत अच्छे से। तो ये देखिए, ये मैंने किया है पूरा रूम सेट अपना,
पूरा साफ सफाई से अच्छे से मैंने सेट कर दिया है सब कुछ उधर सारा कुछ। वार्डरोब भी दिखाती हूँ आपको। वार्डरोब में जो ऊपर के दोनों सेल्फ है वो दोनों मेरे हैं। एक साइड मैंने डेली पहनने वाले कपड़े रखे हैं और एक साइड मैंने साड़ी रखी है। सेकंड वाला जो सेल्फ है उसमें बेटे के कपड़े आप देख सकते हो सेक्शन वाइज है। उसके नीचे कुछ ट्रॉलीज हैं और ब्लैंकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद रात को हम गए थे छत पे और बेटे के यहाँ पे चल रही है मस्ती। बस बेटा राइम्स कर रहा था, उसके बाद आके मैं यहाँ पे उसको खिलाने के लिए बैठी हूँ। उसके बाद हम सब ने भी खा पी लिया, ड्रेस फ्रेस चेंज हो चुका है हमारा। मैं चली मच्छरदानी लगाने के लिए, तो पहले हमारी रॉड लगी हुई थी तो वो ना गिर जाती थी बार बार, तो उसको मेरी ननद ने हटा दिया, उसको बाद में सेट कराएंगे। तो मैंने भी सोचा चलो ऐसी रस्सी वस्सी बांध के एडजस्ट करते हैं। मैंने आलने में लगाया और पूरी की पूरी आलना ही गिर गया, अंश डर गया था, अंदर बैठा था। फिर मैंने उसको वापस से अच्छे से सेट किया है, अब अंश आराम से बैठा है। तो बस दोस्तों खाना पीना हमारा हो चुका है और फेस वॉश भी मैंने कर लिया, अंश को भी मैंने हाथ पैर से धुलवा दिए हैं और अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो अगर आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और भी अच्छे अच्छे बातों के साथ। बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।